हमारा आज का टॉपिक जो है वो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि इवन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो बेशक उसकी लाइफ मेंटेन करने के लिए भी थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो यही बात यहाँ पर मैंशन है। उसके अलावा हमें बायो एलिमेंट्स को बताना चाहिए कि बायो एलिमेंट्स होते क्या हैं, बायो एलिमेंट्स कहने कहते हैं। बायो एलिमेंट्स वो होते हैं कि जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए एलिमेंट्स बॉडी को चाहिए हो, उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए हो, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो दोज एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायो एलिमेंट्स। उसके बाद बायो एलिमेंट्स 92 नंबर हैं, एलिमेंट जो है 92 नंबर हैं नॉट बायो एलिमेंट्स, मगर इनमें से 16 जो हैं वो सिर्फ मिलते हैं हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और 16 आर कॉमनली फाउंड केमिकल आर यूज इन फॉर्मिंग केमिकल कंपाउंड फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड। 16 हैं ऐसे, इन 16 को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। अच्छा, ये 16 अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 16 ही होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिस 16 कंपलसरी हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे, भाई कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे जिनमें इन 16 के अलावा भी होंगे। अब हम बायो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं मेजर, माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स में। अब हम देख लेते हैं मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं, माइनर कौन सा और ट्रेस कौन सा। तो मेजर एलिमेंट्स में 99% ऑफ टोटल बॉडी मास बना रहे होते हैं, और वो है ऑक्सीजन जो H5 बनाता है, कार्बन 18 बनाता है, हाइड्रोजन 10 बनाता है, नाइट्रोजन 3 बनाता है, कैल्शियम 2 बनाता है और फॉस्फोरस 1 बनाता है। इसके बाद जो है वो माइनर बायो एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास हैं अबाउट 1% बॉडी मास बनाते हैं, उनमें पोटेशियम है 0.35, सल्फर है 0.25, क्लोरीन है 0.15, सोडियम है 0.15, मैग्नीशियम है 0.05, आयरन है 0.004। उसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो कॉपर, मैगनीज, जिंक और आयोडीन है, जिनके परसेंटेज हमें पता होना इतना ज़रूरी नहीं है। तो हमें इन एलिमेंट्स के नाम कौन से मेजर हैं, कौन से माइनर हैं और इनके परसेंटेजेस पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हमें ये बात पता होना ज़रूरी है जो कि यहाँ मेंशन है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई भी बायो एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, अगर वही बायो एलिमेंट नॉन लिविंग चीज़ में होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, अगर वही बायो एलिमेंट्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। तो इसी रीज़न से हम यही रीज़न है कि बायो एलिमेंट जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता हो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, जो ये रीज़न की वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ देता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, एंड द फैक्ट दैट द प्रॉपर्टी डिफर फ्रॉम दोज़ इन नॉन लिविंग वर्ल्ड, नॉन लिविंग वर्ल्ड से प्रॉपर्टी डिफर होती है, जिसकी वजह से डिफर फ्रॉम लाइफ बनती है। इसके बाद हमने जैसे लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि बायो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कुछ कंपलसरी प्रॉपर्टीज थे वो होना ज़रूरी थी, जिसकी वजह से हम क्लासीफाई कर रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है या डेड है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें से एक कौन हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म थे। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसका रीज़न ये है कि बहुत नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व करते हैं अपने बॉडी में, केमिकल प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमें बताना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिल्ड इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं। इसका मतलब क्या है रेगुलेटरी मैकेनिज्म का, कि मिसाल के तौर पे अगर इन्वायरमेंट की टेम्परेचर 43-44 हो जाए तो बॉडी कोशिश करेगी टेम्परेचर 38-39 तक मेंटेन रखे, ताकि इंटरनल इन्वायरमेंट में जो बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो मेंटेन रह सके। तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि बेशक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या कोई भी फैक्टर चेंज हो रहा हो, इंटरनल इन्वायरमेंट को बॉडी मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। उसके बाद बायोलॉजिस्ट ने इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको क्लासीफाई करने के लिए फॉलोइंग बेसिक पढ़ना शुरू किया कि इनको हम कैसे फॉर्म बेसिक कैसे स्टार्ट हो रहे हैं और ऑर्गेनिज्म लेवल पे जा रहे हैं। तो हम मेरे बेसिक फॉर्म एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया और ऑर्गेनिज्म तक स्टडी किया। तो हम इसको वन बाय वन एक लेवल पर स्टडी करेंगे, मगर इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड सब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर आपकी बुक से जो एक चार्ट है जिसको जहाँ से हम इसको समराइज कर लेंगे। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से मतलब क्या है कि सारे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम किससे मिलकर बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एटम है, इसका न्यूक्लियस है, जो कि इसके अंदर प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और बाय इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और एक पूरा एक एटम है जिससे सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीनों मिलकर एक एटम बना रहे हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल है, जो एटम्स हैं हमारे पास ये आइसोलेटेड फॉर्म में बॉडी में नहीं रहते, ये डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं मिलके, जो है वो डिफरेंट बॉन्डिंग के जरिए, आयनिक कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए फिर ये एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब आयनिक कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, आयनिक बॉन्डिंग है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पर सोडियम के लास्ट शेल में होते हैं 7 और क्लोराइड के लास्ट शेल में होता है 1। अब सोडियम 7 को लूज करे या गेन करे, ऑब्वियसली ये गेन करेगा, और क्लोराइड जो है वो 1 लूज करेगा ताकि लास्ट शेल में 8 हो जाए। सोडियम क्लोराइड का एक जो है वो
इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा, तो ये आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, जैसे हाइड्रोजन है इसके लास्ट सेल में एक है, दूसरा हाइड्रोजन है इसके लास्ट सेल में एक है, तो ये दोनों जो है वो मिला लेंगे, मिल जाएंगे, शेयरिंग कर लेंगे, दोनों के लास्ट में दो हो जाएंगे और कम्प्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या है, शेयरिंग और बॉन्डिंग क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद जो जब ये बॉन्डिंग बनती है तो कंपाउंड बनता है पहले, उसके बाद कंपाउंड स्टेबल होकर मॉलिक्यूल बन जाता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देंगे, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर मोस्ट इंपॉर्टेंट एटम्स इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तकरीबन सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में ये एटम्स मिलते हैं हमें। उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वेट। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं जैसे स्टार्च और प्रोटीन्स। दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये हमारे पास हम सी एच बॉन्ड के बेसिस पे कर रहे होते हैं कि अगर किसी में सी एच बॉन्ड होगा तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, और जिसमें सी एच बॉन्ड नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म है वो इनॉर्मस नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और जिनकी एग्जाम्पल यहाँ मेंशन है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी, एडीपी, ये सारे माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल्स हैं।